स्टूडेंट्स, चले आज की क्लास में आप रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर पर क्या पढ़े थे? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरे पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब आपका नंबर 3 आ गया। क्या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन चल रहा है यूट्यूब पर? तो रिलेटिव प्रोनाउन, ही प्रोनाउन दैट जॉइंस टू क्लासेस, वह सर्वनाम जो दो क्लास को जोड़ता है एंड इट आइदर डिफाइंस, और यह या तो इस एंटीसीडेंट अपने पूर्ववर्ती को, एंटीसीडेंट का मतलब पूर्ववर्ती को डिफाइन करता है, या इन्फॉर्म्स अबाउट इट, या इसके बारे में सूचना देता। किसके बारे में? एंटीसीडेंट। तो यहां तक तो आप समझ गए, वह सर्वनाम जो दो क्लासेस को, दो उपवाक्यों को जोड़ता है, और यह या तो अपने पूर्ववर्ती को परिभाषित करता है या इसके बारे में सूचना प्रदान करता है, क्या कहलाता है? इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। फिर से सुन लीजिए अब एक साथ, वह सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ता हो और या तो अपने कर है कि एंड इट आइदर डिफाइंस इट्स एंटीसीडेंट, और या तो अपने पूर्ववर्ती को परिभाषित करता हो अथवा इसके बारे में सूचना देता हो, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। हिंदी में डेफिनेशन होगी। अब रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं तो उनको जानना होगा, ठीक है ना? चले जैसे इसमें देखिए, हु आएगा, फिर आपका हुम आएगा, फिर आपका हुज आएगा, और व्हाट आएगा, फिर आपका विच आएगा, उसके बाद आपका दैट आएगा और एज आएगा। ठीक, आप सोच रहे होंगे अगर इंट्रोवर्टिव प्रोनाउन पढ़े होंगे
सोचे वही शब्द पांच लीजिए सर जी, पांच। हाँ शब्द वही है, मीनिंग चेंज हो जाती है, ठीक। केसेस वही रहेंगी, ठीक ना। अप्लीकेशन यानी वाक्य में प्रयोग बदल जाएगा। वहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड थे रिलेटिव, कहाँ दिए रहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, और अर्थ क्या निकल रहा है था, कौसे, कौन, इसे, इसे, किसका, यहाँ क्या निकल रहा था, क्या, किसे, यहाँ का, कौन सा, किसे। तो जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है तो मीनिंग कैसे निकलेगी, और डब्ल्यू एस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। परंतु जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रचना नहीं होगी, बल्कि जानते हैं का कंपाउंड अथवा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना होगी। अब कंपाउंड की रचना कब होगी मैं बता रहा हूँ, जब यह सूचना देगा एंटीसीडेंट के बारे में तो कंपाउंड सेंटेंस की रचना होगी, और डिफाइन करेगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना होगी। इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन द्वारा जो क्लास हमारा बनता है दो होते हैं, एक होता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, देखिए यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, और एक होता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, या यहाँ डिफाइन नहीं कर रहा है केवल सूचना दे रहा है। तो जब ये एंटीसीडेंट का मतलब होता है अपने पूर्ववर्ती, ठीक है, एंटीसीडेंट, देखिए इट्स एंटीसीडेंट अपने पूर्ववर्ती, अब उस एंटीसीडेंट के स्थान पर नाउन अथवा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है, एक वीडियो में संभव नहीं है। आज की वीडियो में हम क्या देने जा रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, क्या करते हैं इसमें डिफिनीशन और लिस्ट, और इसका केसेस बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो प्रोनाउन तो है ही, जब सबके सब प्रोनाउन है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर दैट प्रोनाउन के अलावा और भी चीज़ें होती है, जब ये आएगा तो बताएंगे, इसी तरह एज भी होता है, लेकिन यहाँ पर दैट और एज का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चले हम वन बाई वन मीनिंग मीनिंग देते हैं और बता देते हैं। वहाँ पर जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का ये फंक्शन देता है, फंक्शन, ठीक ना, अर्थात जब इसका प्रयोग हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में करते हैं, यानी एप्लीकेशन क्वेश्चन वर्ड के रूप में होता है, तो क में अर्थ निकलता है, क से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा तो सबका अर्थ ज, अच्छा का है अक्षर ज से निकलेगा। तो वहाँ कौन था नॉमिनेटिव केस में, तो यहाँ हो जाएगा क्या, जो, और वहाँ किसे था नॉमिनेटिव केस में, तो यहाँ हो जाएगा जिसे। ये पैटर्न होता है, तो पैटर्न आप सीख लीजिए। तो ये जो हो गया क्या, कौन के कुबले, और जिसे हो गया किसे के कुबले, इट मीन्स क्या हो गया भैया, हाँ ये आपका हो गया जो हो गया नॉमिनेटिव केस, और जिसे हो गया ऑब्जेक्टिव केस, यानी यहाँ पर भी हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में भी नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से किया जाता है, और परीक्षा में ये इम्प्रूवमेंट में बहुत आता है, इस पार्टी में कम लेकिन इम्प्रूवमेंट में बहुत आता है। हु की जगह हु लिखा रहेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब प्रयोग कहाँ होगा भैया, प्रयोग तो वही है आपको, यहाँ कोई फाइंड आउट नहीं करना है आपको, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य नहीं करने, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कार्य नहीं करने जा रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का, तो टू फाइंड आउट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि टू फाइंड आउट सब्जेक्ट आपने, अरे ऑब्जेक्ट नहीं, बस सिंपली ये लिखना है यू आर, अरे ओनली ह्यूमन, जैसा कि मैं कल लिखा था सेम चीज। अब आगे देखिए,
यहाँ पर जो केस होगी आपकी केवल क्या होगी, जिसे होगी, ठीक है, जिसे होगी। अब हाँ यहाँ पर केस यहाँ आपको लिखना चाहिए का अंदर लिख दिया है तो यहाँ हमको लिखना चाहिए नॉमिनेटिव आर्बिक ऑब्जेक्टिव। क्या लिखना चाहिए? नॉमिनेटिव आर्बिक ऑब्जेक्टिव। इसे लिख देता हूँ तो यहाँ पर हमको नॉमिनेटिव आर्बिक ऑब्जेक्टिव लिखना चाहिए और यहाँ पर लिख देना चाहिए क्या जी, यूज यूज फॉर ओनली यू। अब जिसे की जो केस होगी आपकी क्या हो जाएगी, बोलिए, जिसे की केस हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव, क्या हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसका जो प्रयोग होगा यूज फॉर ओनली ह्यूमन होगा, ठीक है। अब चलिए हूज का जो अर्थ होगा आपका क्या हो जाएगा, जिसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसका हो जाएगा। और यानी ये पॉसेसिव केस हो गई, पॉसेसिव केस हो गई, ठीक है, तो लिख ही दिए आप। अब इसका जो प्रयोग होगा कहाँ पर, यूज फॉर आर, सेम वही चीज है, यूज फॉर आर, बस ठीक है, पॉसेसिव केस। अब चलिए यहाँ जो होगा इसका होगा जो आपने जिसे, जो आपने जिसे, समझ गए होंगे ये है नॉमिनेटिव और ये है बोलिए ऑब्जेक्टिव, ठीक। और केस क्या हो गई हमारी, ठीक है, केस हमारी नॉमिनेटिव आपने ऑब्जेक्टिव हो गई। अब जिसका जो प्रयोग होगा कहाँ जी, यूज फॉर थिंग, जैसा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में मैं पढ़ा चुका पैटर्न सब वही है। अब बीच में भी हम कह लीजिएंगे कि बीच में भी मीनिंग सेम रहे, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, केवल क्या एप्लीकेशन और फंक्शन का अंतर है। यहाँ जो है केस हमारे बीच का क्या हो गई, नॉर्मेटिव आर्बिक ऑब्जेक्टिव हो गई। अब इसका जो प्रयोग हम कर रहे हैं कहाँ, यूज फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, एनिमल्स एंड बर्ड्स। यहाँ भी चॉइस वाली बात आएगी क्या दी, ऑल्सो यूज फॉर क्या आर, व्हेन चॉइस इज रेस्ट्रिक्टेड, ये होगा। अरे इंटरनेटिव प्रोनाउन वाला अगर आप पढ़े हैं तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब दैट का क्या अर्थ है, इसका भी अर्थ क्या होगा, वही जो आपने जिसे, क्या होगा जो आपने जिसे, अब ठीक है। यहाँ जो है दो केसेस मिली, अब इसका जो प्रयोग होगा ठीक ना, यूज्ड इन प्लेस ऑफ, प्लेस ऑफ क्या, होम, इसको आपको हम लेट से हाईलाइट कर रहे हैं जानबूझ करके, होम और होम और इन का। अब देखिए कब होता है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, इन पार्टिकुलर केसेस, इसमें होगा पार्टिकुलर केस में होता है
क्या जी लग रहा है पीछा हो गया केसेस है कौन से कर पार्टिकल केसेस वो हम तिरछा यहाँ से हो गए पार्टिकुलर केसेस तो ये विशेष केस में इनका उपयोग होता है कब होता है कैसे इस पर हम क्या करेंगे आपको एक विशेष वीडियो बनाना पड़ेगा संभव नहीं है कि सब पर हम वीडियो एक ही वीडियो में पढ़ा दें क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है ये दो से कम तीन पीरियड लेता है डेढ़ डेढ़ घंटे का समझ लीजिए ऐसा ये टॉपिक है कि चार साढ़े चार घंटे में ख़त्म होता है। अब बताइए कि अगर हम एक दिन में चार साढ़े चार घंटे की वीडियो बनाएंगे तो आप देखोगे हैं आप तो दो मिनट वाली खोजते हो दिक्कत ये है सर। अब चलो अब इसका जो है इसका भी अर्थ वही है क्या भैया हाँ अर्थ वही रहेगा केस क्या होगी नॉर्मेटिव ऑब्लिक ठीक है ना अब ऑब्जेक्टिव अब इसमें जो है क्या होगा अब इसको मिटा देते हैं फिर से लिख देते हैं यहाँ पर क्या होगा कि पार्टिकुलर क्या केस में यूज होता है ठीक ना तो यूज्ड इस पर भी एक छोटी वीडियो बना हुआ है इस पर तो मैं अलग बना हुआ है इस पर अलग बना हुआ है लेकिन इनके लिए एक साथ चलाऊंगा ठीक है ना। अब इसके लिए क्या है हमको एक वीडियो क्या बनानी होगी क्लास पर रिलेटिव क्लास पर ठीक। अब जब हम रिलेटिव क्लास बनाएंगे तो रिलेटिव क्लास दो प्रकार की होगी डिफाइनिंग हो क्या नॉन डिफाइनिंग तब जा करके समझ में आएगा अन्यथा नहीं समझ में आएगा या तो हम सिंपल सिंपल एग्जांपल दें तो नहीं संभव है क्योंकि सेंटेंस क्या बनेगा कंपाउंड अथवा कम्प्लेक्स। अब ये दो वाक्यों को जोड़ेगा तो जोड़ने के बाद जो दोनों वाक्य क्या हो जाएंगे क्लास कहलाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक इसको आप तैयार रखिएगा नेक्स्ट क्लास में हम क्या है रिलेटिव क्लास पढ़ा करके आपको उसका एग्जाम्पल हम दे देंगे। इस वीडियो से क्या हो जाएगा लिंक हो जाएगा और इसका लिंक उसमें लगा देंगे। थैंक यू।